वेलकम बैक टू चॉन्ट्स कॉस्ट वॉचिंग वाची टिक्स। गाइस यहाँ पे टिक वॉच प्रो 3 यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे 21 सितंबर को इसका जो लॉन्च इवेंट हो रहा है उसमें यहाँ पे लॉन्च होगा, जहाँ पे गाइस मुबोई ऑफिशियल के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके ये कंफर्म कर दिया गया है। और गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी लीक हुई है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आखिर क्या फीचर्स है टिक वॉच प्रो 3 में। तो यहाँ पे इस भी आपको इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, सो इसके लिए आप स्टूडियो देखते रहिए। और अगर आप मैं चपना चौक जरूर सब्सक्राइब करिए और बेकोन दास वीडियो नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गैस मुबोई टिक वॉच प्रो 3 जो कि स्पेशली इसकी एक न्यू अपकमिंग वियरेबल्स है, यहाँ पे गैस इसे लॉन्च किया जा रहा है 24 सितंबर, जो कि इसका अपकमिंग लॉन्च इवेंट हो रहा है। यहाँ पे गैस मुबोई ऑफिशियल के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके फाइनली कंफर्म कर दिया गया कि आखिर गैस यहाँ पे 24 सितंबर को जिसका लॉन्च इवेंट है उसमें यहाँ पे इस स्मार्ट वॉचेस को लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पे गैस इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस भी लीक हुई हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लुक प्लस यहाँ पे प्लेंटी प्रीमियम डिजाइनिंग के साथ आती हैं, जो कि स्पेशली इसके स्मार्ट वॉचेस में। यहाँ पे गैस मैंने हाईलाइटेड ये कि यहाँ पे जो टिक वॉच प्रो 3 है इसमें यहाँ पे हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 4100 का चिपसेट मिलता है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऐसे स्मार्ट वॉचेस है जिसमें ये चिपसेट के साथ आ रहा है। और होपफुली जो फ्यूचर्स में आने वाले स्मार्ट वॉचेस होंगे उसमें इसी चिपसेट से आएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे इसमें इसके सीपीयू जीपीयू में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलती है, जो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए काफ़ी बेस्ट है। जहाँ पे गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट स्मार्ट वॉचेस चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। और ऐसे प्रोसेसर की जितने भी स्मार्ट वॉचेस आएंगी वो इसलिए बेस्ट है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस मुबोई टिक वॉच प्रो 3 में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जहाँ पे मेन पेन यही है गाइस यहाँ पे इसमें आपको SPO2 रीडिंग मतलब कि मिल जाता है, जो कि स्पेशली ब्लड ऑक्सीजन लेवल का मेजर करने का सेंसर है। तो आई थिंक इस समय जितनी भी स्मार्ट वॉचेस जो भी ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें यहाँ पे SP02 जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल सेंसर है ये डेफिनेटली इंक्लूडेड किया जा रहा है, जिसकी मदद से गाइस यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मेजर किया जा रहा है। और इस समय जो चल रहा है, जो ये भी महामारी चल रही है, इसमें स्पेशली गाइस ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, जहाँ पे आप अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल को समय समय पे अपनी स्मार्ट वॉचेस से चेक कर सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे मुबोई के टिक वॉच प्रो 3 में डुअल स्क्रीन लेयर्स मिल जाती है, जो कि स्पेशली एक न्यू डिजाइनिंग है इसके डिस्प्ले के लिए, जहाँ पे गाइस आप इसमें डुअल स्क्रीन लेयर को काफ़ी बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस इसके अलावा इसमें आपको 1GB रैम तो यहाँ पे 8GB तक का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जहाँ पे गाइस आप इसमें बहुत सारे फाइल्स डेटा को सेव कर सकते हैं, अपने डेली जो वर्कआउट से रिलेटेड डेटा है उनको भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे न्यू मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेंसर मिल जाते हैं जो कि स्पेशली यहाँ पे टिक हेल्थ रिलेटेड सेंसर होते हैं। यहाँ पे इसमें बैटरी की बात करते हैं, इसमें आपको लार्जर बैटरी मिल जाती है, जो कि यहाँ पे 595mAh की बैटरी मिलती है, जो कि यहाँ पे सिंगल चार्ज में 4 डे का प्लेबैक देती है, यानी कि सिंगल चार्ज में आप इसे कंटिन्यूसली 72 आवर तक यूज कर सकते हैं। तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा लार्जर है, आप इसमें SPO2 जो भी फीचर्स यूज करते हैं आप इसे 72 आवर तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं सिंगल चार्ज में। यहाँ पे इसके अलावा मुबोई की टिक वॉच प्रो 3 में NFC का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे ये वायरलेस पेमेंट के लिए होता है, जहाँ पे आप इसे गूगल पे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गूगल वियर OS स्मार्ट वॉचेस है। तो इसमें यहाँ पे जो पेमेंट्स है वो काफ़ी सिक्योरली तरीके से ऑनबोर्डेड किया गया NFC, जहाँ पे आप इसे वायरलेस पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट डिजाइनिंग के साथ आता है, जहाँ पे फुल स्मार्ट वॉचेस का केवल वेट आपको 42 ग्राम मिल जाता है विदाउट स्ट्रैप, यानी कि स्ट्रैप का कोई ज़्यादा तो वेट नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे 42 ग्राम ओनली इसका वेट मिलता है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। जहाँ पे गाइस आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर 4 डे के लिए कंटिन्यूसली भी यूज करेंगे तो इसमें जो जो भी मटेरियल से वो स्क्रीन फ्रेंडली है, तो आपकी स्किन में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे ये कुछ लीक हुआ था मुबोई की टिक वॉच प्रो 3 के बारे में, यहाँ पे इसकी लॉन्चिंग की मतलब की डेट तो कन्फर्म हो गई, लेकिन इसकी प्राइसिंग अभी येट है, जो कि यहाँ पे 24 सितंबर को ही कन्फर्म होगा कि आखिर क्या प्राइसिंग आती है। वैसे तो गाइस यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो इसके प्रीवियस वर्जन से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसिंग होगी, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें 20 मतलब कि इसका जो स्नैपड्रैगन एक न्यू स्नैपड्रैगन मिल रहा है, साथ ही साथ न्यू प्रोसेसर मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से गाइस न्यू फीचर्स है तो यहाँ पे प्राइसिंग ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कोई ज़्यादा प्राइसिंग नहीं होगी, आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप एक बेस्ट स्मार्ट वॉचेस लॉन्ग टर्म के लिए यूज के लिए चाहिए तो आपके लिए ये बेस्ट है, जहाँ पे आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आप स्टे ट्यून्ड रहते रहिए, जब भी लॉन्च होगी आपको वीडियो मिलती रहेगी। और यहाँ पे ये कुछ इसके बारे में आज मैंने आपको मुबोई की टिक वॉच प्रो 3 के बारे में जो भी डिटेल बताई वो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल चौक जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विल से डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक फॉर वॉचिंग।